नमस्कार दुनिया वालों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। अब हमें यमुना नदी के अंदर नहीं भाई साहब, नदी के अंदर नहीं, यमुना के प्लाटों की तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं YouTube चैनल इंडस्ट्रियल प्लाट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे सेक्टर 18। ये सेक्टर 18 सेक्टर में दिखा रहे हैं क्या ग्राउंड लेवल रिपोर्ट है जे ब्लॉक की, जे और आई। देखिए रुक जाओ जी, मैं दिखा दूं, आई लिखा हुआ है। अभी सड़कों की तो हालत खस्ता है दुनिया वालों। और ये वो पाउडर है जो भगत सिंह जी हमारे लिए छोड़ के गए हैं देशभक्ति का, ये कर चले हम फिदा जानो तन साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। इसी जमीन के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, तो इसे माथे पे तिलक लगाओ। ब्लॉक आई 265, बस यही है। सड़कें तो कच्ची है जी, पर भारत माता की जय बोल सकते हो क्योंकि 15 अगस्त है। भारत माता की जय। चलो जी, पर सड़कों का मामला खराब है अभी तो। सेक्टर बसें भी सड़कें टूट गई हैं, नीचे से सड़कों की मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं है। राइट, ये जे ब्लॉक का, सेक्टर 18 का जे ब्लॉक। यहाँ पे इनका ऑफिस भी आना कहीं आसपास सर? ये ऑफिस वहाँ का जाते दूसरे ऑफिस आपको, ये जे ब्लॉक। ये देखिए जे ब्लॉक है, जंगल है। आप यहाँ भैंसे रख सकते हैं, आपका दरवाजा नहीं लगा, 10-12 भैंसे आप रख सकते हैं यहाँ पे। दरवाजा लगा देते हैं, 80 लाख का रेट है, देख लो जी, कुछ भी नहीं है। 80 लाख का लोगे, 10% ऊपर खर्चा आएगा, फिर बनाने में 1 करोड़ चाहिए, तो जंगल में क्यों पंगे ले रहे हो? ये देखिए पार्क डेवलप हो रहे हैं जी अभी तक तो। राधे 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 राधे। भाइयों बहनों, ग्रेटर नोएडा में माल ले लो, यहाँ मत फंसो। मेरा तो यही विचार है, 20 साल लग जाएंगे, वापस ले लीजिए। अगर आपके पास माल है तो बेच के निकल जाओ पतली गली से। माल है यमुना में तो अच्छे पैसे हैं, कोई बात नहीं, वेट कर लो, जिस दिन उद्घाटन हो गया रेट बढ़ गए तब बेच के निकल जाओ, क्योंकि एक बार एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद जंप आएगा, उसके बाद गिरावट पक्की आएगी। ये हमारा व्यू है। आप बाकी अपने दोस्तों से जरूर बात करें डील करते हुए, हम तो आपको ग्राउंड लेवल रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ऊपर का गिद्ध बैठे हैं देखो, पोल पे रात को सांप घूमते, सांप तो चलो सांप तो ठीक है, चलो जी कोई बात नहीं, सांप तो हमारे शिव जी भगवान जी के जंतर है जी, वो तो गिद्ध भी ईद बुलाऊ वाला वो मामला खराब है। देखिए जी इधर छोटी काम चला रही है जी, पार्कों का नव निर्माण किया जा रहा है। अब पता नहीं कब बनेंगे, कब इसमें पौधे लगेंगे, क्या होगा भगवान जाने। ये बेचारे लोग घूम रहे हैं जी। सेक्टर 18 पॉकेट जी इंडस्ट्रियल प्लाट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे, हर एक बंदा आजकल डीलर बना हुआ है, 200 रुपए की किताब लेके घूमता रहता है। हे भगवान, हे भगवान करो कल्याण, 2000 की किताब है। चलो जी कोई बात नहीं जी, भाइयों बहनों मुझे लग रहा है कुछ दिनों के बाद तो माँ के पेट से डीलर पैदा होंगे कि मम्मी मम्मी किताब लेके पैदा हुआ। पर सर एक चीज है, जो बंदा झुग्गी में रहता है वो भगवान को कहता है हे भगवान मुझे कोठी दिलवा 2000 मीटर की, वो रहता है उसमें, वही रह रहा है। मैं तो कहता ना हूँ वही रहेगा अगर इसकी हिम्मत भी बनाने की तो। भाइयों बहनों ग्रेटर नोएडा में चाय 5 सेक्टर है, चाय 3 चाय 4, और उसमें रिक्शा वाले रहते हैं 10 करोड़ की कोठियों में, आप हंस के पागल हो जाओगे। वो दिल से पूजा करते हैं भगवान की। तो ये दोस्तों हमने आपको छोटा सा टूर मिलाया यमुना का, ये देखिए कुछ नहीं है सिवाय सपनों के, सपनों की दुनिया से विदा लेते हैं, बाय।